एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो से आपकी जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को गौर से देखते हो, सुनते हो, समझते हो और मैं जो बता रही हूँ उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, तो आप आपके जीवन को बदल सकते हो। तो बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ और जानते हैं कि आप आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं या हम हमारी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको 4 to 5 पॉइंट बताऊंगी, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, उन्हें अच्छे से समझिएगा और डेली रूटीन में उन्हें धीरे धीरे ऐड करना शुरू कर दीजिएगा। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। तो बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज रहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बड़े सारे कमेंट आते हैं कि मुझे ये चाहिए मैम, मैं ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक ट्राई करूं या नहीं करूं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों की लिस्ट हमारे पास होती है कि हमें ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, जॉब चाहिए, शादी करनी है। प्लीज बी फोकस्ड ऑन वन थिंग। ठीक है, जिंदगी में हर एक चीज हर एक स्टेज पे होती है, सही समय पे होती है और हमको उस सही समय को कैप्चर करना है। ये सही समय है इस चीज को करने के लिए। जब आप ये सारी चीजें प्रायोरिटाइजेशन आपका क्लियर होगा तो आपको उस चीज के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स अप्लाई करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी श्योर कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कार खरीदनी है तो कौन से ब्रांड की कार खरीदनी है? टाटा की खरीदनी है, शेवरोलेट की खरीदनी है, रेनॉल्ट की खरीदनी है। कौन से कलर की गाड़ी खरीदनी है? एसयूवी खरीदनी है, सेडान खरीदनी है या मिनी खरीदनी है? उसमें कौन सा साउंड सिस्टम आपको लगाना है? ये सारी चीजें यू नीड टू बी स्पेसिफिक। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जब ये सारी बातें क्लियर हो जाती है हमारे माइंड में तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उन चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए लग जाता है। हमें पता भी नहीं होता बैकग्राउंड में क्या इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं कि आई वॉन्ट दिस, मैं क्लियर हूँ कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, इसका ये कलर है, इसमें ये साउंड सिस्टम है, इस तरह की कुशनिंग मैंने की है, मैं यहाँ यहाँ ये गाड़ी के साथ घूमने जा रहा हूँ, इन लोगों के साथ घूमने जा रहा हूँ। जब पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो उन चीज़ों को अचीव करना, मैनिफेस्ट करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हो इस बात को, 50% आपका मैनिफेस्टेशन है ना इसी वजह से फेल होता है कि लोग इतने कंफ्यूज होते हैं, एक साथ 10-10, 12-12 चीजें मैनिफेस्ट करने में लगे पड़े होते हैं। हाउएवर वो तो बिगिनर स्टेज पे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को सही तरीके से कैसे अप्लाई करना है। पहले छोटी छोटी चीजों से शुरू कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए कि हाँ, ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक मेरे लिए काम करती है, ये चीज मेरी जिंदगी में मैंने मैनिफेस्टेशन से अप्लाई करके, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को अप्लाई करके मैनिफेस्ट करी है। जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी थॉट प्रोसेस भी क्लियर होती जाएगी। सो इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा एफर्ट डालिएगा, छोटी छोटी चीजों से शुरू कीजिएगा, छोटी छोटी इच्छाएं उनके ऊपर फोकस करिएगा, क्लियर रहिएगा कि मुझे यही चीज करनी है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर यू डूइंग टू अचीव इट। आपने अभी डिसाइड कर लिया कि मुझे कार खरीदनी है, ठीक है, बट अभी कार खरीदनी है तो उसके लिए आप कर क्या रहे हो? इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट, आप क्या एक्ट कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने आपको बोला हमें कार खरीदनी है, तो कार खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, मेरा क्लियर गोल है मुझे इस साल कार खरीदनी है। ठीक है, तो कार खरीदनी है, कौन सी कार खरीदनी है ये भी हमारा फर्स्ट स्टेज में क्लियर हो गया। नाउ उसे पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसे पाने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारा बैंक बैलेंस चेक करना पड़ेगा कि कितने पैसे हैं मेरे पास, कितने अमाउंट की ये गाड़ी है। अगर ये गाड़ी मुझे खरीदनी है तो इसके लिए मुझे इतना डाउन पेमेंट लगेगा, क्या मेरे बैंक अकाउंट में उतना डाउन पेमेंट करने के लिए अमाउंट है भी या नहीं, ये चेक कीजिए। अगर मेरे बैंक अकाउंट में उतना डाउन पेमेंट करने के लिए पैसे है तो
आने वाले समय में जो मेरे मंथली इंस्टॉलमेंट होगी उसे पे करने के लिए क्या मेरा वैलिड इनकम सोर्स है जिससे मुझे परेशानी नहीं होगी वो ईएमआईज पे करने के लिए। अगर ये सारी चीजें ऑर्डर में नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके ऊपर काम कीजिए। सी मतलब जब आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लियर होगा ना कि आपको क्या करना है, तो ये जो है ना कि जब आप एक्शन लेना शुरू करते हो कि मुझे ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है, उसके लिए मुझे ये चीज चाहिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा, जुगाड़ करना शुरू कर देगा। दिस इज हाउ ऑल दिस थिंग्स वर्क, यू नो। तो बस समझ लीजिएगा, क्लियर रहना है हमें। क्लियर रहोगे तो एक्शंस भी क्लियर लोगे, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करेगा, दिस यूनिवर्स विल गाइड यू बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, ठीक है। तो मैंने दो स्टेप्स आपको क्लियर कर दिए, आपको आपकी ड्रीम लाइफ अचीव करने के लिए या आपकी लाइफ चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, ठीक है। सो नाउ हमारा थर्ड पॉइंट है व्हाई यू आर नॉट यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारे लोग रहते हैं ना रोजमर्रा की जिंदगी में, इतनी बिजी रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 काम कर रहा है। तो आप करो या ना करो, आप उसका यूज कर रहे हो। तो लोग बहुत सारे मतलब फॉर एग्जांपल मैंने देखे हैं कुछ वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट आते हैं कि दिस इज अ फेक और समथिंग। आप ट्रस्ट करो या ना करो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी यूज नहीं कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मैं क्यों बोल रही हूँ। यूज करना अलग बात है, सही तरीके से यूज करना अलग बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता नहीं है फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैं बस डेली जो कंप्लेंट्स करने हैं, जिंदगी को कोसना है, कर रही हूँ, बट अभी मुझे पता है मैं जो बोलती हूँ वो यूनिवर्स में जा रहा है, मेरे वर्ड्स स्पेल्स बन रहे हैं, वो यूनिवर्स में जा रहे हैं एंड मुझे फायर बैक कर रहे हैं, वही मेरी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो क्यों ना मैं पॉजिटिव चीज़ें बोलूँ, पॉजिटिव स्पेल्स मेरे मुँह से निकले, यूनिवर्स में जाए और पॉजिटिव चीज़ें मेरी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही यूज। ना मुझे एक रुपए का खर्चा होना है, ना मुझे टाइम स्पेंड करना है, कुछ नहीं। जो मैं रेगुलर बेसिस पे बात करती हूँ, बोलती हूँ, उसे बस मुझे सही तरीके से बोलना है जिससे मेरी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो 24/7 बैकग्राउंड में काम कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिविटी जो मेरे मुंह से निकल रही है वो पिक करे और मेरे लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स को मटेरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कार लेनी है, जैसे हम इस वीडियो में कार का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो कार तो लेनी है, हाय यार लोगों का कॉन्वर्सेशन आपने सुना होगा, मतलब आप कम्प्लीटली रिलेट कर पाओगे मैं जो भी बता रही हूँ। कार लेनी है बट बहुत महंगी है यार, आई कैन अफोर्ड ओनली 4-5, 5-6 लाख का गाड़ी, वो भी सेकेंड हैंड। 10-12 लाख का गाड़ी, 20-25 लाख का गाड़ी मुझे सच में चाहिए बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी पगार उतनी नहीं है, सैलरी उतनी नहीं है, या फिर एडजस्ट करना पड़ेगा यार ये गाड़ी लेने के लिए। तो आपकी ज़िंदगी में वही होगा, आपको बस बोलना है पॉजिटिव चीज़ें कि हाँ मुझे ये गाड़ी लेनी है, यूनिवर्स आई वॉन्ट दिस कार, सबकॉन्शियस माइंड आई वॉन्ट दिस कार, आई हैव दिस कार, ठीक है। अभी ये गाड़ी को लेने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे जैसे आप वे आउट निकालना शुरू करोगे ना, चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होती चली जाएगी, अपने आप चीज़ें फ्लो में होती चली जाएगी। सो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैक एंड में हमेशा काम करता है, प्लीज़ उसका पॉजिटिव वे में यूज़ करना शुरू कीजिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आप देख सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों के साथ शुरू करिएगा, जैसे आज मम्मी राजमा चावल बना दे, यार हो सकता है क्या ये मम्मी राजमा चावल बना दे, यूनिवर्स आई थिंक आज मुझे राजमा चावल खाने हैं, क्या पता घर चले जाओ ऑफिस से और सच में मम्मी ने या बीवी ने जो भी घर पे कुक करता है उन्होंने राजमा चावल बनाए हो, है ना कमाल की बात। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, जो करना है उसके रिगार्डिंग क्लियर रहिएगा। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था जो हम कर रहे हैं, जो हमें चाहिए उसे अचीव करने के लिए, पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। और अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से यूज़ कीजिए, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है यूजिंग करेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक टू अचीव योर गोल। फॉर एग्जाम्पल कोई खुद को देखना, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ कि सही टेक्निक यूज़ करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो कुछ लोग रहते हैं ना खुद को बहुत सुंदर समझते हैं, मतलब हर कोई ब्यूटीफुल है ऑब्वियसली इन देयर ओन वे,
पर किसी को शीशे में देखना बड़ा पसंद है। बार 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 खुद को निहारेंगे शीशे में, मैं कैसा लग रहा हूँ, लग रही हूँ, आज मेरे बाल कैसे हैं, मेरी आंखें कैसे लग रही है, मेरी लिपस्टिक कैसे लग रही है। बॉयज बियर्ड बनाएंगे, देखेंगे खुद को, है ना। तो अगर आप इनमें से कोई पर्टिकुलर इंसान हो, आप मिरर टेक्निक शुरू कीजिएगा। मिरर टेक्निक, आप शीशे में खुद को रिलेट कर पाते हो, यू नो, जैसे कि सामने जो पर्सनालिटी है आप उससे बात कर रहे हो, तू आज बड़ा सुंदर लग रहा है या तू बढ़िया सुंदर लग रही है ना, खुद के दिल में खुद से बात करते हैं। तो मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन ये वीडियो को देख रहा है, आई एम श्योर आपके चेहरे पे हंसी आई होगी, यार मैं तो ये करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप खुद के साथ रिलेट कर पाते हो शीशे में देख के, प्लीज ट्राई मैनिफेस्टेशन का मिरर टेक्निक। इसके रिगार्डिंग मैंने मेरे चैनल पे वीडियो बनाई है, आप उसे देखिएगा, आपको पता नहीं होगा, और प्लीज उस टेक्निक को शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। किसी को राइटिंग बहुत पसंद है, लिखते हैं लोग, ठीक है, अलग अलग पेशे में रहते हैं राइटिंग के, वो लिखना पसंद करते हैं। स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज़ कीजिएगा कि मतलब जब आप लिख रहे हो आपको खुशी भी मिल रही है, उस खुशी के कारण आपने जो लिखा है वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ लोग जो रहते हैं उन्हें रीड करना बहुत पसंद रहता है, बुक्स रीड करते रहते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल एक पेन और पेपर लेना, उसके ऊपर आपके जो भी अफर्मेशंस रहेंगे, जो भी गोल्स रहेंगे, एक ही बार उनको लिखना, चिपका देना उन्हें कहीं, लाइक आपके जो विजन बोर्ड है उसके ऊपर, बेड के तकिए के यहाँ पे वो नोट रख देना, या फिर बेड के बाजू में उसे चिपका देना, वॉशरूम में, बाथरूम में अगर आप जाते हो ब्रश करते करते शीशे के सामने, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट गोल्स कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो मतलब आपको खुद को पहचानना होगा। हर किसी को पता रहता है मुझे ये करना बड़ा पसंद है। तो मैंने ये छोटे छोटे जो दो तीन आपको टेक्निक बताए, इससे आप रिलेट कर पाओगे कि खुद के रिगार्डिंग, खुद जिस टेक्निक से रिलेट कर पाओ वो टेक्निक आपको कैसे ढूंढनी है, ठीक है, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बूस्ट हो जाए। ऐसे नहीं कि किसी का वीडियो देख लिया, चलो अभी ये टेक्निक बताइए, चार दिन करके देखता हूँ या देखती हूँ। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप करते हो, बस उन्हें सही वे से करना है और वो आपकी टेक्निक बन जाएगी, है ना कमाल की बात। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा समय के लिए, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हो ना, इन सिक्स मंथ का टाइम पीरियड ले लेना, कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हो ना, यू विल सी चेंजेस इन योर लाइफ। पक्का आपको आपके जीवन में चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। दिस इज़ कोई मैजिक नहीं है, कोई फंडा नहीं है, दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये होता ही होता है। यू आर द ओनली वन हु इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आप ही खुद की लाइफ चेंज कर सकते हो, कोई आने वाला नहीं है जो लाइक मैजिक स्टिक झटक से घुमाएगा और आपकी लाइफ फटाक से चेंज हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो से मैंने आपके जीवन में वैल्यू ऐड करी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं बता दूं, इस चैनल के ऊपर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी एंड टैरोट कार्ड रीडिंग रिगार्डिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक पे इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय गाइज़।